25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? दो। स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुजन समाजवादी पार्टी के कितने हैं? एक। स्वागत है भाई, स्वागत है। लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है, बेटियों का बहनों का सम्मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, कितनी विधानसभा है? 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? दो, मात्र दो। और भाइयों बहनों बहुजन समाजवादी पार्टी के कितने हैं? एक। सिग्नल आते हैं, यानी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने और इन दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत नजदीक से समझा है। और मैं आज आपके पास आया हूं भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश पिछले 20 वर्षों में, अगर बीच में एक डेढ़ वर्ष के इस कालखंड को छोड़ दें जब धोखे से कांग्रेस ने सत्ता त्याग ली थी, भाइयों बहनों पिछले 20 वर्ष में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सबसे पहला काम किया, बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरने में मध्य प्रदेश को मदद की। मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य नहीं है। देश के अंदर कृषि विकास की दर को सर्वाधिक प्रगति के पथ पर, समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और लाडली बहना योजना ने तो मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया है, बेटियों का बहनों का सम्मान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आधी आबादी का सम्मान हो रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना पहले से यहां कार्य कर रही थी। मातृवंदना योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इसको लागू कर दिया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से भी बेहतर कार्य यहां पे हुआ। आज मध्य प्रदेश एक नई दिशा में जा रहा है, विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं, हर घर नल की योजना लागू हो रही है। और उन स्थितियों में मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, खजुराहो भी तो इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और खजुराहो से सीधे झांसी होते हुए लखनऊ जाने